क्या आपको पता है कि ऐसे मंदिर के बारे में जो दिखने में बिल्कुल तिरुपति बालाजी मंदिर जैसा दिखता है। जय सिया राम दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद में स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के बारे में। ये मंदिर हैदराबाद के जुबली हिल्स में मौजूद है और इस मंदिर के बारे में खास बात यह है, इस मंदिर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हूबहू तिरुपति बालाजी मंदिर जैसा डिजाइन किया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार में अगर आप इस तरह के रंगोली की बात करें, ये भी आपको तिरुपति बालाजी मंदिर में देखने को मिलते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप यहाँ पर हाथ पैर को धो सकते हो, जिससे हम मंदिर को और पवित्र रख सकते हैं। इस मंदिर को मैनेज करता है TTD अर्थात तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का एक ट्रस्ट है। ये वही ट्रस्ट है जो आंध्र प्रदेश में स्थित वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी मंदिर को भी मैनेज करता है। तिरुमाला के इस ट्रस्ट के अंदर और भी 12 मंदिर इंक्लूड है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो भगवान बाहर आए हैं दर्शन देने के लिए। ये ट्रेडिशन आपको हर साउथ इंडियन टेम्पल्स में लगभग देखने को मिलता है। अगर आप हैदराबाद पे आते हो तो इस मंदिर को आप मिस मत करना, क्योंकि आपको बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा इस मंदिर के अंदर। यहाँ पर सामने आप देख सकते हो मंदिर का प्रवेश द्वार है, जिसको साउथ इंडियन गोपुरम स्ट्रक्चर में डिज़ाइन किया गया है, जिसको द्रविड़ शैली भी कहा जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार में काफ़ी सारा रंगोली बनाया गया है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो, कितना सुंदर है। जो लोग हैदराबाद में रहते हैं उनके लिए तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आपको ठीक वैसा ही फीलिंग होगा जैसे आपको तिरुपति बालाजी मंदिर में होता है। अगर इस मंदिर के टाइमिंग की बात करें तो ये मंदिर सुबह के 5 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक ओपन रहता है, फिर ये 4 बजे से लेकर 8:30 तक खुला रहता है, और 8:30 के बाद यहाँ पर एकांत सेवा होता है। मंदिर के प्रवेश द्वार में आपको इस तरह का दुकान देखने को मिलता है, जहाँ पर आप श्री वेंकटेश्वर स्वामी से जुड़ा हुआ काफ़ी सारा चीज़ें खरीद सकते हो। तिरुमाला के तिरुपति बालाजी मंदिर जैसा ही यहाँ पर भी आपको लड्डू प्रसाद देखने को मिलता है, मगर ये लड्डू प्रसाद आपको सैटरडे और संडे को ही मिलता है। बाकी वीकडेज की बात करें तो यहाँ पे मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको प्रसाद में अन्न भोग मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। मंदिर के मूल विग्रह के सामने कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं दूर से ही वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपको इस तरह के स्पिरिचुअल ब्लॉग्स देखना पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इस तरह के स्पिरिचुअल ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। ये मंदिर साउथ इंडियन रिच कल्चर और ट्रेडिशन को दर्शाता है। मंदिर के अंदर आपको तरह तरह के साउथ इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर के प्रैक्टिस देखने को मिलते हैं। ये देखिए सोने का ध्वजा स्तंभ, जो कि साउथ इंडियन हर मंदिर में आपको देखने को मिलते हैं। ये समय था दोपहर का और इस समय घने बादल आसमान में दिख रहे थे, जो कि इस मंदिर के स्ट्रक्चर के साथ और भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। क्या आपने कभी साउथ इंडियन मंदिर का दर्शन किया है? अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस हमें ज़रूर शेयर करिए कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। श्री वेंकटेश्वर स्वामी की जय।